माय नेम इज विपिन कुमार, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद शान। आज हम इस वीडियो में ऐसे प्रिंट करेंगे विथ स्टार के द्वारा। तो यहाँ पे मेरा दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में एक ए एसेप है और सेकंड पार्ट में इस टाइप का एसेप है। तो पहले फर्स्ट पार्ट का लॉजिक देखते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट का लॉजिक देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का लॉजिक में हम यहाँ पे ए देख रहे हैं कि मेरा जीरो, यहाँ पे पहले क्या है कि फाइव कॉलम है और सेवन रो है। यहाँ पे फाइव कॉलम है और यहाँ पे सेवन रो है। तो जीरो कॉलम पे एंड फोर कॉलम पे अगर हम देख रहे हैं तो पूरा मेरा स्टार है। जीरो कॉलम और फोर कॉलम पे मेरा स्टार है। तो पहले इसका लॉजिक देखते हैं। जीरो कॉलम और फोर कॉलम का लॉजिक देखते हैं। तो इफ कॉलम को हम जे से डोनेट करेंगे और रो को आई से डोनेट करेंगे यहाँ पे, तो जे इज इक्वल इक्वल टू जीरो और जे इज इक्वल इक्वल टू फोर। अगर मेरा ए है कि जे इज इक्वल इक्वल टू जीरो एंड और सॉरी इफ जे इज इक्वल इक्वल टू जीरो और जे इज इक्वल इक्वल टू फोर, तो मेरा जीरो कॉलम और फोर कॉलम प्रिंट हो जाएगा। अब हमको लॉजिक इस पार्ट का देखना है। मेरा जो ये पार्ट बच गया, ये पार्ट अब मेरा ये पार्ट का लॉजिक क्या होगा वो देखना है। एक पार्ट का मेरा लॉजिक आ गया यहाँ पे, अब सेकंड पार्ट का, और यहाँ पे मेरा क्या चाहिए, मेरा वन कॉलम जीरो रो में वन कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम पे है एंड थर्ड रो में वन कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम पर प्रिंट कराना है। तो जीरो कॉलम एंड सॉरी जीरो रो एंड थर्ड रो पे पहले लॉजिक देख लेते हैं। तो रो को हम आई से डिनोट कर रहे हैं, तो आई इज इक्वल इक्वल टू जीरो और I इक्वल इक्वल टू थर्ड, ओके। एंड अगर I इज इक्वल इक्वल टू जीरो एंड I इज इक्वल इक्वल टू थ्री अगर करेंगे तो मेरा जीरो पे पूरा प्रिंट हो जाएगा एंड थर्ड पे प्रिंट हो जाएगा। बट हमको जीरो एंड थर्ड पे पूरा नहीं, कॉलम वन कॉलम टू एंड कॉलम थर्ड प्रिंट कराना है। तो इसके लिए इस यहाँ पे फिर हम ये लिखेंगे कि J लेस देन लेस देन फोर एंड जे ग्रेटर देन जीरो, ओके फ्रेंड्स। लॉजिक देखें, अगर अब ये पार्ट मेरा जो है से किसको प्रिंट कर देगा, मेरा ये पार्ट को प्रिंट कर देगा, ये पार्ट को, और ये पार्ट मेरा जीरो कॉलम और फोर कॉलम को। अब इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे मेरा एक क्लास ए है, इसके अंदर में एक मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स। यहाँ पे एक लूप चलाए हैं जो मेरा रो के लिए है, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन सेवन और आई प्लस प्लस। इसके अंदर में एक मेरा लूप है जो कॉलम को प्रिंट करेगा, इंट जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन फाइव, जे प्लस प्लस। अब इसके अंदर में जो यहाँ पे हम लॉजिक लिखे हैं ए, इस लॉजिक को हम यहाँ पे कंडीशन में डाल रहे हैं। तो जे इज इक्वल टू जीरो और जे इज इक्वल टू फोर और I इज इक्वल इक्वल टू जीरो और I इज इक्वल इक्वल थ्री एंड J लेस देन फोर और J ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो इसके अंदर में हम स्टार प्रिंट करा देंगे। तो इसके अंदर में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे स्टार प्रिंट करा दिए। इसके बाद जब ये हो गया उसके बाद हम स्पेस प्रिंट कराएंगे, तो एल्स
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे स्पेस प्रिंट करा दिए। इसके बाद ये मेरा लूप ये एल्स क्लोज हो गया, इसके बाद फर्स्ट लूप क्लोज होगा। सेकेंड लूप में फर्स्ट लूप क्लोज होने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये जो है मेरा कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं एंड रन कराते हैं। सी एम डी ओपन कर लेते हैं, जावा सी ए डॉट जावा। यहाँ पे मेरा ऐसे प्रिंट हो गया, यहाँ पे अब ऐसे प्रिंट हो गया। अब हमको मेरा फर्स्ट पार्ट, ये जो मेरा शेप था ये तो प्रिंट हो गया, लेकिन जो मेरा सेकंड पार्ट है ये पार्ट में मेरा जीरो 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 रो और जीरो कॉलम पे मेरा स्टार नहीं है, और जीरो और जीरो जीरो रो और जीरो फोर कॉलम पे मेरा स्टार नहीं है, मतलब कि जीरो जीरो और जीरो फोर पे मेरा स्टार नहीं है। इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मेरा जे इज इक्वल टू जीरो और जे इज इक्वल टू फोर है, तो जे इज इक्वल टू जीरो मीन्स कि जीरो के ऑल कॉलम पे प्रिंट कर दिया स्टार और फोर के ऑल कॉलम पे प्रिंट कर दिया स्टार। तो यहाँ पे अगर हम ये चीज़ लिखें, कंडीशन में ए डाल दें कि आई नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आई जो यहाँ पे है, अगर जैसे यहाँ पे आई है तो आई पे सिर्फ छोड़ के ये जो जीरो रो को छोड़ के इसको छोड़ के बाकी सबको प्रिंट कर दे, जे पर जे इज इक्वल टू जीरो और जे इज इक्वल टू फोर बट आई इज इक्वल आई नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन डालेंगे तो मेरा क्या करेगा कि ए पॉइंट और ए पॉइंट को, तो इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इस पार्ट को यहाँ पे हम कंडीशन क्या डालें, ए आई नॉट इक्वल टू जीरो, तो मेरा सेकेंड पार्ट प्रिंट हो जाएगा, ये जीरो जीरो पे नहीं आएगा क्योंकि जीरो इंडेक्स जो है मेरा ये जो जीरो रो है ये जीरो रो पे स्टार प्रिंट नहीं होगा, वन टू सिक्स होगा। ठीक है, तो अभी इसको आप इसको यहाँ पे प्रोग्रामिंग में यहाँ पे चेंज करते हैं। आई नॉट इक्वल टू सॉरी आई नॉट इक्वल टू जीरो, क्लोज सेव, इसको रन कराते हैं सीएमडी, पहले कंपाइल कर देते हैं ए डॉट सॉरी। तो आप मेरा अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पैटर्न आ गया जो मेरा सेकंड पार्ट में है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें।